जोहार झारखंड, खुद को बहुत झांडस देते हुए मजबूत करते हुए आज मैं आप सबों के बीच लाइव आने का साहस कर पाया हूँ। लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि आप सभी को जानकारी है आज ही के दिन मानव श्रृंखला जो ऐतिहासिक रहा झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, और ठीक कल मानव श्रृंखला हम लोग जिस उद्देश्य से किए थे भाषा आंदोलन प्लस 1932 का खतियान, कल वह राजभवन से लौटा दिया जाता है। सोचे कि बात करें कि नहीं बात करें, इस विषय पर बात रखें कि नहीं रखें, अपने आप को बहुत मैंने नर्वस टाइप का महसूस कर रहे थे। तो फिर अचानक याद आया कि मेरी मजबूती वही है, लोग पागल कहें क्या कहें मैटर नहीं करता है, डज नॉट मैटर, मेरी ताकत का जगह यही जहां बैठे हैं। और आज तो यहां मुझे और ताकत मिल रहा है क्योंकि यहां विकास की समाधि है, बगल में विकास की समाधि है, पहले तो अकेले बैठते थे, अब ये दोनों साथ रहेंगे, अब मुझे और ताकत मिलेगी। तो सबसे पहले आज मानव श्रृंखला का साल भर, उसके लिए सभी साथियों को धन्यवाद, पूरे बृहद झारखंड, क्योंकि उसमें झारखंड से ही नहीं, बृहद झारखंड से लोग भाग लेने के लिए, हाथ से हाथ जोड़ने के लिए मानव श्रृंखला में आए थे। वह रात मुझे अच्छी तरह याद है, लौपिटी में बिताई थी। अरदास अरविंद, आकाश बीरू, मिथिलेश दा उनके संपर्क में थे, लगातार चर्चा हो रही थी कैसे लोग आएंगे। सुबह जब 11-12 बज गया, लोग नहीं दिखे थे सड़क पर मानव श्रृंखला के लिए, तो अचानक लगा कि कहीं हम लोग का ये प्लान अधूरा तो नहीं रहा, हमारी जो रणनीति। लेकिन अचानक जैसे ही 2 बजा तो आभास हुआ वास्तव में झारखंडी लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं, और एक ऐतिहासिक मानव श्रृंखला जिसमें अनुमान कहा जाता है 3 लाख से 5 लाख के बीच लोग 40 किलोमीटर तक कंटिन्यू जुटे और अपनी एकता का परिचय दिया, और सरकार उस समय बैकफुट पर गई और धनबाद बोकारो से जो भाषाई आंदोलन था उन भाषाओं को वापस किया। आंदोलन चलता गया 1932 का खतियान कैबिनेट में सितंबर में, नवंबर के महीने में विधानसभा में, और फाइनली आज राज्यपाल महोदय उसे कुछ त्रुटिपूर्ण कह के वापस करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं राज्यवासियों के आघात एक झटका सा लगता है। जो भी परिस्थितियां हो, इस विषय पर हम लोग भी मंथन कर रहे हैं और राज्य की सरकार भी मंथन करे और जितना जल्दी हो सके झारखंड की जो मूल पहचान है उसे लागू किया जाए। स्थानीयता, झारखंड की मूल मांग है स्थानीयता, कि यहाँ के स्थानीय कौन है। सभी स्थानीय नहीं होंगे, कोई भाईचारा नहीं, हम स्वीकार करते हैं, हम तो खुले शब्दों में कहते हैं जो भी भारत का अन्य राज्य है उनको हम लोग भाई स्वरूप मानते हैं, लेकिन हमारा अधिकार हमको मिल चुका है, हमारे हिस्से की खेती हमको मिल चुकी है, उस खेती में दूसरा कोई डाका क्यों डालेगा। इसीलिए भाईचारा के नाम पर झारखंडी के अधिकार को छीनने का काम ना किया जाए। हम भाईचारा का सम्मान करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम का सम्मान करते हैं, लेकिन भाईचारा के नाम पर झारखंडियों के अधिकार को छीना जाए ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल यूपी बिहार बंगाल सबका सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, वो भारत के अंग है, हम भी भारत के अंग है, लेकिन भाईचारा के नाम पर वे लोग अगर हमारी नौकरियों को, हमारे अधिकारों को, हमारे सीएनटी की जमीनों को अगर लूटेंगे तो विरोध तो करेंगे। तो इसलिए 1932 का खतियान जरूरी है जो हमें हमारे अधिकार को सुरक्षित रखे। त्रुटियां कहाँ है इसके लिए विधानसभा में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके इतने इतने आईएएस अधिकारी हैं, उनसे चर्चा परिचर्चा करें, और राज्य के लिए 1932 का खतियान आधार मानकर नीति बनानी ही, नहीं बनती है तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल होगा झारखंड का। जो लोग आज भाईचारा की बात कर रहे हैं वो लूट लेंगे, चबाकर खा जाएंगे हमारे अधिकारों को, यह स्पष्ट है। वो भाईचारा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे अधिकारों पर नजर है, उनकी हमारे खनिज संसाधनों पर नजर है उनकी। इसलिए दूसरी बात, राज्यपाल महोदय का सम्मान करते हैं, महामहिम के फैसले का आदर करते हैं, त्रुटिपूर्ण क्या है नहीं है, लेकिन यह भी मानना होगा क्योंकि जो राज्यपाल रहे वो इस प्रदेश के नहीं है। इस बात जो लॉजिकल चीज है, वो नियम है, संवैधानिक नियम है कि प्रदेश के लोग अपने प्रदेश में राज्यपाल नहीं बनते, खैर उनके महामहिम का जो राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है उनका सम्मान करते हैं, लेकिन झारखंड के प्रति सबकी सोच हमेशा इसी टाइप की रही है, चाहे दिल्ली में बैठे सरकारों की हो या फिर कोई अन्य प्रदेश का प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट हो, वो चाहते हैं कि यह राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य, यहाँ के मूलवासी अगर उन्हें अधिकार मिला जाए, अगर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए तो बाकी राज्यों के लोग कहीं ना कहीं एक दायरे में सिमट जाएंगे, और कोई नहीं चाहता है कि बाकी राज्यों के लोग दायरे में सिमटे, सब चाहते हैं बाकी राज्यों के लोग धड़ल्ले से यहाँ प्रवेश करें, धड़ल्ले से प्रवेश करें और यहाँ के लोगों के रोजी रोजगार को छीनने का काम करें। तो इस बात को भी सब समझ रहा है, चाहे दिल्ली हो और जाहिर सी बात है, इस जेएमएम ने
अपना बचाव करते हुए बीजेपी के पाले में गेंद डाली थी, और बीजेपी तो जानती है वो यूपी और बिहार को ही अपना कोर वोटर बनाना चाहती है, जो स्पष्ट है कि बीजेपी एक जिस विचारधारा के साथ चलती है झारखंड में कहीं ना कहीं सूट नहीं करती, क्योंकि झारखंड एक कल्चरल आइडेंटिटी वाला स्टेट है, यहाँ जल जमीन जंगल के लोग बात करते हैं, और बीजेपी की जो विचारधारा है वो अलग है, वो चाहेगी अपनी विचारधारा के लोगों को यहाँ स्टेब्लिश किया जाए, और उसके लिए बेहतर है यूपी और बिहार, इसीलिए मैक्सिमम जो वोटर्स है वो चाहेगी यहाँ बनाएगी। और यहाँ कड़े कहते हैं 36,000 प्रत्येक साल लोग आके यहाँ बस रहे हैं, बस नहीं रहे वोटर आईडी भी बना रहे हैं, तो ये चीजें जो नहीं देख पा रहे हैं और उसके बाद भी भाईचारा का राग अलाप रहे हैं, बहुत बुरा होगा आने वाले दिनों झारखंड के साथ। आप देख सकते हैं जेएमएम तो भले बच के निकल गई, लेकिन अगर आप बीजेपी के पाले में अगर गेंद डाल के अगर सोचेंगे वो बेहतर करेगा राज्य के लिए, कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, उनके सांसदों की लिस्ट निकालिए, पीएन सिंह की निकालिए, संजय सेठ की निकालिए, सुनील सिंह की निकालिए, जयंत सिन्हा की निकालिए, अन्य और 6-7 सांसद आएंगे जो सबके सब यूपी बिहार से संबंध रखते हैं, वह चाहेगी कि यूपी बिहार के कोर वोटर्स को यहाँ स्थापित किया जाए, गलत तरीके से अवैध तरीके से उन वोटर्स को यहाँ स्थापित किया जाए। यहाँ तो हम राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कई बांग्लादेश से भी आके यहाँ वोटर्स बन रहे हैं, तो ये डिस्टर्बेंस होगा आने वाले दिन, कल्चरल डिस्टर्बेंस होगा, डेमोग्राफी को डैमेज किया जाएगा, एक नई डेमोग्राफी को यहाँ स्थापित किया जाएगा। और फाइनली चूंकि झारखंड की माटी में रहने वाले लोग लगभग सिंपल सरल स्वभाव के लोग हैं, इनके अधिकार को मैंने लेने के साथ साथ इनके जमीने इनके जगह सब चीज को धूमिल किया जाएगा, और ये हम कहाँ कह रहे हैं। ताकि देखिए यहाँ जो यूएनओ की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संथाली मुंडारी भाषा डैमेज हो रही है, कुड़माली भाषा डैमेज हो रही है, आपकी असूरी भाषा डैमेज के लगभग कगार पर है, बिरहोरी समाज की जो कल्चरल जो भी आइडेंटिटी है पहचान है वो खत्म होने के कगार पर है। तो ये क्यों हुआ, आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने का प्रमुख कारण है उदासीनता। उदासीनता क्यों हुई? ना आपने रोजगार हमारी भाषाओं में नहीं दिया, हमारी भाषाओं के इम्तिहान में नहीं शामिल किया, इससे क्या हुआ कि हमने दूसरी भाषाओं का नकल करना प्रारंभ किया और फाइनली हमारी भाषाएं डैमेज हुई, भाषाएं डैमेज हुई, उसके बाद जो अन्य लोग यहाँ हमारे साथ उठने बैठने लगे, तो कहीं ना कहीं आदिवासी का मूल स्वरूप ही होता है माने अलगाव, बाकी लोगों से अलगाव रहना, खुद को उसकी आइडेंटिटी यही है कि थोड़ा सा संकोच करना। और जब अन्य लोगों के लोग, अन्य राज्यों के लोग यहाँ धड़ल्ले से स्थापित होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को उनके सामने असहज पाया, उसका परिणाम है आज बहुत सारी कम्युनिटी जो ट्राइब्स की हैं, शेड्यूल्ड प्राइमेटिव ट्राइब्स की, वो खत्म होने के कगार पर हैं। असूरी की बात करें, पहाड़िया की बात करें, बिरजिया की बात करें, बिरहोरी की बात करें, तो इन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है, और भी हम भाई भाई का राग अलाप रहे। अरे ठीक है, भाई भाई हम सम्मान करते हैं, तो भाई का बंटवारा हो चुका है, यूपी वालों के हिस्से में उत्तर प्रदेश है, बिहार वालों के हिस्से में बिहार है, बंगाल वालों के हिस्से में बंगाल है, छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के लिए उड़ीसा है। भाई भाई अच्छा बात है, भाई अपने खेत को जोते, भाई अपने खेत में फसल लगाए, काटे खाए, किसने डिस्टर्ब किया है? लेकिन भाई भाई और भाईचारा के नाम पर सबकी नजर झारखंड पर है, क्योंकि झारखंड मिनरल से परिपूर्ण है। मिनरल से परिपूर्ण है वो अलग विषय है, और एक विषय ये भी है कि यहाँ भोले भाले लोग हैं, पर ना सीएनटी की कानून है, एसपीटी की कानून है, इनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, जमीन जा कैसी रही है? इसीलिए 1932 का खतियान जिस हाल में बने, अगर नहीं बनाते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो झारखंड के मूल लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, बाकी यूपी बिहार के कोर वोटर्स यहाँ स्थापित हो जाएंगे, प्लॉटें बांटी जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन दे दी जाएंगी, और यहाँ के जो मूल लोग हैं समाप्त। पुनः फिर मानव श्रृंखला के लिए सभी साथियों का जोहार करेंगे, धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत आभार करेंगे कि ऐतिहासिक मानव श्रृंखला आज ही के दिन महदा मोड़ से नगेन मोड़, धनबाद जिला के बोकारो जिला तक 40-45 किलोमीटर खड़ी हुई थी, उसमें सभी ने जो सहयोग किया था और एकता का परिचय दिया था, उसका आज साल भर हुआ है, जोहार करते हैं। और साथ ही साथ मैंने स्पष्ट कहा है, हमें ताकत यहीं मिलती है। बहुत सारे साथियों ने कहा कि फिलहाल तुम अभी वहां मत जाना, लेकिन दिल नहीं मानता है, और आज हम यहां मजबूती के साथ बैठे हैं। विकास बाबू भी बगल में है, प्रकाश बाबू भी बगल में है, बहुत डिस्टर्ब थे इनके जाने से, और ये आजीवन रहेंगे, लेकिन खैर ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाएंगे। मानव श्रृंखला आज ही के दिन साल भर हुआ, उस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए, ऐतिहासिक पल के लिए धन्यवाद, सभी का जोहार, और 1932 के खतियान पर यही कहेंगे कि कृपया झारखंडियों के अधिकार को ना छीना जाए। आप स्वयं देखिए, आंकड़े कह रहे हैं 36,000 लोग प्रत्येक साल इस राज्य में आके बस बसाव कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ कानून बनाइए नागालैंड के तर्ज पर, मिजोरम मेघालय के तर्ज पर, कि अन्य प्रदेश के लोग यहाँ नहीं आए आसानी से। अगर वे लोग आएंगे, क्योंकि वे संपन्न लोग हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है, वे यहाँ जमीनें लेंगे, यहाँ की नौकरियों को लेंगे, यहाँ हर चीज में अगर प्राथमिकता उनको मिलेगी। अब देख सकते हैं जितनी निजी कंपनियां हैं, वेदांता, सेल, इलेक्ट्रो स्टील, सिंदरी, हिंडालको, एचईसी, टाटा,
सरायकेला जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बड़े बड़े होते हैं सब अन्य राज्यों के लोग हैं, तो ये झारखंड क्यों बना? सीधा सा सवाल है, झारखंड बना क्यों? जो भी आज इस राज्य की नीतियां हैं, नीतियां बनाने वाले लोग हैं, वो सब अन्य प्रदेशों के हैं। तो यदि इस राज्य में अन्य प्रदेशों के लोग इसी प्रकार ही हावी रहे हैं और 1932 के खतियान को इसी प्रकार अगर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, तो फिर इस राज्य के बनने का उद्देश्य क्या है? इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से राज्य की जनता से अपील होगा, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील होगा कि आप 1932 के खतियान को जो त्रुटिपूर्ण बताया गया है उस पर बेहतर टीम बैठाकर उस पर जांच हो और एक बेहतर विकल्प के साथ एक बेहतर नीति बनकर विधानसभा में आए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ठगा ना जाए। आज कभी किसी ने स्थिति दौड़ाई है? हमारे झारखंड जिनके लिए बना है, आज भी ये लोग बड़ी मुश्किल से पत्ता जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करते हैं, और जो लोग अन्य प्रदेशों से आ गए यहाँ लाखों टन का कोयला चोरी करते हैं। तो इसलिए इस राज्य का कल्याण तभी होगा जब इस राज्य के लिए नीतियां बनेगी। तो आज का संदेश, चूंकि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं हमारे वीडियोज को मुख्यमंत्री तक के लोग वाच करते हैं, उनके लगभग सारे अधिकारी वाच करते हैं, कृपया इस विषय पर जो 1932 का खतियान चर्चा में है साल भर से, उसके साथ इस तरह का नाइंसाफी ना हो। बाकी सबको जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।